अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल कॉर्नर में खुश आमदीद। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल सोया मेरा नसीब के नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो बताऊंगी और आज के एपिसोड का थोड़ा सा रिव्यू देते चलें। आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि महा का रिश्ता तय हो जाता है, जिस पर महा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो अपने दिल का हाल बयान करती है मुन्नू से कि वो लोग मुझे आगे पढ़ने नहीं देंगे, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, तुम प्लीज़ कुछ करो। जिस पर मुन्नू उसे कहता है कि मैंने बात की है, वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हें शादी के बाद भी पढ़ने दिया जाएगा। जिस पर महा कहती है कि शादी के बाद वो पढ़ने देंगे या नहीं पढ़ने देंगे, इसका फ़ैसला तो उन्होंने करना है, मैं फ़िलहाल शादी ही नहीं करना चाहती। इतने में आ जाता है शेबी और आकर कहता है कि भाई, तुम्हारा तो रिश्ता तय हो गया है, बहुत बहुत मुबारक, और ट्रीट कब दे रही हो। जिस पर महा सोचती है ये तो बहुत खुश नज़र आ रहा है, लगता है इसने ताई अम्मा से कोई बात ही नहीं की और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ड्रामे में यह भी दिखाया जाता है कि फरी कॉल करती है आसिफ़ के फ्रेंड शेराज को और उससे कहती है कि शेराज, आसिफ कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहा, अभी तक वो इस्लामाबाद पहुंचा ही नहीं क्या। जिस पर शेराज उसे हकीकत बताता है कि वो इस्लामाबाद कहाँ जा रहा है, वो तो अमेरिका गया है। जिस पर फरी बहुत ज़्यादा रोती है और अपनी दोस्त को कहती है कि उसकी वजह से मैंने इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया और वो रिश्ता अब महा के साथ जुड़ गया है। जिस पर उसकी दोस्त कहती है, तू पागल है क्या, अभी तो एक ही दिन गुजरा है ना, तू कुछ कर और वो रिश्ता हाथ से जाने मत दे। जब फरी अपनी माँ से तस्वीर देखती है सुफियान की, तो कहती है वाह, माँ के तो नसीब खुल गए। उसकी माँ भी यही कहती है कि पता नहीं हमने सही किया या नहीं, खैर अब क्या कर सकते हैं। तो फरी कहती है कि इसके मुकाबले में तो आसिफ कुछ भी नहीं। उसकी माँ कहती है, अब तो जो होना था हो गया, अब शक्ल वाली बैठ कर रोए और नसीब वाली ऐश करेगी। जिस पर माँ के दिमाग में एक और तरकीब सोचती है। चले चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो की तरफ। नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि शेबी महा से कहता है, तुम्हें किस तरह पता कि मैंने बात नहीं की। जिस पर महा कहती है, क्या मतलब। तो शेबी कहता है, मैं वक्त से पहले बताना नहीं चाहता था, इसीलिए तो मन्नू के आगे कुछ भी नहीं कहा। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सुफियान अपने दोस्त से कहता है, मैं उसे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ उससे। तो उसका दोस्त कहता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, कॉल करो और डेट पर ले जाओ, सिंपल। जिस पर सुफियान हैरानगी से कहता है, डेट पर। तो दोस्तों, ये था नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सुफियान की शादी महा से होगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और हमें यह भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।